रामचंद्र जी को इस प्रकार वन भेजा जा सकता है? यदि यदि किसी में हिम्मत है तो मेरे सब उठाए ताकि राज्य पाने का मजा पाए। मेरे मेरे जब तक दम में दम है मैं किसी की डाल न गलने दूंगा और भारत का राज्य अभिषेक कदापि नहीं होने दूंगा। यदि यदि इस कार्य में पिताजी भी सम्मुख आए तो मैं उन्हें भी स्वर्ग भेज दूंगा। कैसी कायरता दिखा रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो भैया? इस समय क्रोध करना उचित नहीं। धन्य है उस परमात्मा को जिसने आज पिताजी की आज्ञा पालन करने का प्रथम बार अवसर दिया है। भैया ऐसा शुभ अवसर बार बार नहीं आता। धैर्य रखो लक्ष्मण, परंतु भैया वह कौन मांगने वाली होती जो मांग रही है लाभ दिला? अधिकार जिसे है गति का उसका ही होगा आज रात दिला। भैया अन्याय यदि अगर होता है तो चुप रहने में है संकोच नहीं, रखाने की भी खूब रही। भैया क्यों जाए, क्यों जाए जब हमारा कोई दोस्त ही नहीं? भैया लक्ष्मण पिता को दोष मत दो, सब विधि का लेख है, ये हमारे लिए शुभ अवसर है। पिता की आज्ञा पालन करना हमारा धर्म है। भैया अगर आपका यही विचार है तो आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। नहीं भैया, लक्ष्मण तुम नीति के जानने वाले हो, विधाता ने जो कुछ लिखा है वो मेरे लिए है। तुम अयोध्या में रहकर यहाँ का राज पिता का राज्य में सहयोग करो। नहीं भैया नहीं, भैया मैं आपके छोड़े एक पल भी नहीं रह सकता, फिर आप मुझे अकेले छोड़े जाने की बात कैसे कह सकते हैं भैया? मैं कहाँ जाई बता दो भैया।
तुम मेरी भुजा श्री हो, प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम दो हैं, वास्तव में हम एक ही हैं। है तत्व एक, है रक्त एक, रघुकुल का वंश एक। भैया जब आपका यही भाव है तो भैया ममता तोड़े क्यों जाते हो? मैं तो चरण रखू भैया, तो मुझको अकेला छोड़े क्यों जाते हो? भैया लक्ष्मण, मैं सिया सहित बन जाता हूं नैनिहाल भरत और शत्रुघ्न है। इस जगह माता और पिताजी भी शोकाकुल और व्याकुल हैं। इसलिए रहो लखन तुम यहाँ, उनकी व्याकुलता हरने को सेवक चाहिए यहाँ भी तो, वृद्धों की सेवा करने को। भैया मैं साथ आपके अवश्य चलूंगा, सेवा तू सदा का भैया, सेवा अब भी करूंगा। कैसे नाले चलोगे भैया, कभी आपको अकेले जाने भी दूंगा, जब आंचल आपके हाथों से छोड़ दूंगा। या हाथ हाथ में लीजिए, या खड़क हाथ में दीजिए, या पदरज में शरण दीजिए, या फिर मिट्टी में मिला दीजिए। प्रभु धर्म के पिता है, माता धर्म की सीता है। अब किन्हीं चरणों में भैया मैंने जन्म मरण का निश्चय लिया है। भैया यदि तुम्हारी यही जिद है तो जाओ माता सुमित्रा से आज्ञा ले आओ। Thank you.